Swayam Prabha, Digital India, Educated India. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडेज़ टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज ए वैलिड डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ दिस इज़ माय सिक्स लेक्चर ये मेरा छठवां लेक्चर है तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय चार के अंतर्गत जो धारा छिहत्तर से लेकर के एक तक के प्रावधान दिए गए हैं उनके विषय में जानते होंगे लेकिन मैं आपके जानकारी में थोड़ा सा और भी अभिवृद्धि करने का प्रयास कर रहा हूँ जो शुरुआती धारा सेवेंटी सिक्स छिहत्तर है वह तथ्य की भूल को आपराधिक मामलों में एक वैध बचाव के रूप में स्वीकार करती है इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो अध्याय चार के अंतर्गत सामान्य प्रतिरक्षाएं हैं जनरल डिफेंसेस हैं उन सभी धाराओं के अंतर्गत या तो दूसरी तार से मेन्थरिया एबसेंट होती है या नॉलेज तो होता है कि जो कार्य कर रहा है उससे मृत हो सकती है या उससे क्षति हो सकती है परंतु मृत कार्य करने का आशय नहीं होता इस आधार पर या तो कार्य को क्षम घोषित कर दिया जाता है या कार्य को न्याय संगठ ठहरा दिया जाता है तो धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को सुविधा के दृष्टिकोण में हम दो भागों में बांट सकते हैं एक्सक्यूजेबल एक्ट और जस्टिफिएबल एक्ट अर्थात वे कृत्य जो एक्सक्यूजेबल हैं जिनको एक्सक्यूज किया जा सकता है एक्ज किया जा सकता है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी आपराधिक दायित्व से जिन्हें क्षम्य किया जा सकता है वे कृत्य धारा छिहत्तर सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन के अंतर्गत हैं धारा एटी एटी फोर के अंतर्गत हैं इन धाराओं के अंतर्गत यदि आप गहनता से देखेंगे थारोली इसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इन धाराओं के अंतर्गत किया गया कार्य दूषित आशय के अभाव में किया जाता है क्योंकि दूषित आशय के अभाव में किया गया कार्य अपराध नहीं होता इसलिए इन धाराओं के अंतर्गत घटित कार्य को अपराध की परिभाषा से बाहर रखा गया है और व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता है इसी अनुक्रम में धारा 96 से लेकर के 106 तक के जो प्रावधान हैं वे जस्टिसबल एक्ट हैं अर्थात अगर प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट किया जाता है तो दैट इज जस्टिफाइड वह न्यायसंगत है न्याय उचित ठहराया जाता है परिस्थितियों के आधार पर यद्यप कि जो डूअर है करता है कार्य करते समय अपने कार्य के नेचुरल कॉन्सिक्वेंस को जानता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे घोर क्षति या क्षति हो सकती है परंतु इरादा नहीं होता आशा नहीं होता और दूसरा ऐसा कोई विकल्प नहीं होता उस स्थिति में अपनी जान को बचाने का या प्रॉपर्टी को बचाने का इसलिए यदि ऐसे कदम उठाए जाएँ तो भी धारा छ से लेकर के एक तक के प्रावधानों में यह कहा गया है कि उन कृत्यों को जस्टिफाई कर दिया जाए न्यायसंगत ठहरा दिया जाए यदि कोई व्यक्ति अपने डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए जब ऐसी परिस्थितियां हो जैसा कि मैंने अपने पहले की स्लाइड में इसका उल्लेख किया है आप उसको देखेंगे तो एक समग्र अवलोकन करेंगे तो धारा 96 से लेकर के 106 तक के विषय में जो भी कानून आईपीसी के अंतर्गत बताए गए हैं उसको मैंने विस्तार से अपनी पहले की स्लाइड में बताया तो मैं केवल यहाँ पर धारा 76 के प्रावधानों को बताने का प्रयास करूँगा कि मिस्टेक का फैक्ट कैसे एक गुड डिफेंस है क्रिमिनल लॉ में चूंकि हिंदी भाषी छात्रों के लिए स्लाइड हिंदी भाषी छात्रों के लिए मेटीरियल हिंदी में बहुत कम उपलब्ध है इसलिए मेरा ये प्रयास था कि मैं हिंदी भाषी प्रतियोगी प्रतियोगी छात्रों के लिए जो विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाएं न्यायिक सेवा की परीक्षा या सिविल सेवा की परीक्षा पी की परीक्षा आई की परीक्षा देना चाह रहे हैं उनके लिए हिंदी भाषा में ऑनलाइन मटेरियल बहुत ही कम उपलब्ध हैं ज़्यादातर इसमें अंग्रेजी माध्यम के हैं तो वह अपने अधिकार से वंचित ना हों और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं वे भी आत्मबल उनका बढ़े वे भी आत्मविश्वास से लबोलवेज हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े जिससे कि वह अच्छे मटेरियल पाए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपराधिक विधि को परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाने का प्रयास किया तैयार कराने का प्रयास किया है और आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं तो धारा सेवेंटी के अंतर्गत मैंने बताया कि तथ्य की भूल को छम में घोषित किया गया है उसके कंटेंट क्या हैं पहले देखेंगे कि 76 में एक्चुअली बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है फिर उसके बाद उस डिफेंस को लेने के आवश्यक तत्व तो क्या हैं फिर उसके बाद देखेंगे कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट या हाई कोर्ट के अच्छे जजमेंट हैं जिसमें कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डिफेंस के रूप में कोर्ट के समझ प्लीड करके और अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से मुक्त करा सकें तो इन जो पढ़ने की पद्धति है अध्ययन करने का तरीका है कि पहले हम 76 के बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें और 76 के फिर उससे इसेंशियल एलिमेंट्स को देखें और उसके पश्चात दृष्टांत जो दिए गए हैं उसमें दृष्टांत को देखें और देन आफ्टर हम जब कभी भी किसी अभियुक्त के द्वारा धारा छिहत्तर की मांग की जा रही हो तो देखें क्या 76 के परिधि में 76 के गोले में उसके द्वारा किया गया कार्य आता है या नहीं आता है यदि एक तत्व भी अनुपस्थित होगा तो हम सेवेंटी का लाभ नहीं देंगे सेवेंटी का तत्व जितने भी एलिमेंट हैं इसेंशियल एलिमेंट हैं इन order टू टेक डिफेंस ऑफ सेक्शन 76, सिक्स दैट इज नेसेसरी तो 76 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनका अनुसरण करना उनको आत्मसात करना सभी छात्रों के लिए आवश्यक है उसको बिल्कुल आत्मसात करें याद रखें कि 76 में इसेंशियल एलिमेंट क्या हैं उसके पश्चात हम उन एलिमेंटों का साधिक निर्वचन करेंगे कि वे एलिमेंट जो 76 में लिखे गए हैं आईपीसी की अन्य धाराओं से हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यानी पी में एक बात जो सबसे ध्यान देने की है वह ध्यान देने की है छात्रों के लिए कि हम जब मेन्सरिया गिल्टी इंटेंशन की बात करते हैं जो अपराध के लिए परम आवश्यक तत्व तो है इसेंशियल कंपोनेंट है मेन्सरिया दैट इज साइने को अनॉन फॉर अ क्राइम जो अपराध के लिए परम आवश्यक तत्व तो है बिना दूषित कार्य दूषित आशय के अपराध नहीं हो सकता इन धाराओं के अंतर्गत तो उस मेन्स्रिया का एबसेंट माना जाता है कैसे एब्सेंट माना जाता है क्योंकि जिन भी धाराओं में गुडफेथ वर्ड यूज किया गया होगा सद्भाव पूर्वक शब्दावली यूज की गई होगी इसका मतलब है कि सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य दूषित आशय को निगेट कर देता है शून्य कर देता है जब कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया होगा तो निश्चित रूप से वह दूषित आशय वहाँ नहीं हो सकता और जब दूषित आशय नहीं हो सकता है तो वह कार्य अपराध नहीं माना जा सकता है इसी कारण से धारा 76 में धारा 77, 78 में 79 में धारा 80 दुर्घटना को जो वैध बचाव के रूप में मान्यता प्रदान करता है धारा 81 जो आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है या धारा 82, 84, 85 इन धाराओं के अंतर्गत जहाँ जहाँ गुड फेथ लिखा हुआ है कि ऐसा कार्य सद्भावपूर्वक किया गया है अर्थात उन धाराओं के अंतर्गत दूषित आशय को एबसेंट माना गया है दूषित आशय उन धाराओं में नहीं है अब मैं इसको विस्तार से सेवेंटी सिक्स को बताऊँ सेवेंटी सिक्स के आवश्यकता को बताऊँ उसमें धारा फिफ्टी टू को भी यदि आप देख रहे हो तो धारा फिफ्टी टू को भी देखेंगे कि धारा बावन के अंतर्गत सद्भावपूर्वक शब्दावली को उल्लेख किया गया है और धारा बावन के अंतर्गत सद्भावपूर्वक शब्दावली को परिभाषित किया गया डिफाइन किया गया है कि सद्भावपूर्वक कार्य किया गया कब कहा जाएगा ये धारा बावन में बताया गया है तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस गुड फेथ कि मैं इसको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगा कि धारा 52 के अनुसार कोई भी कार्य सद्भावपूर्वक किया गया तब कहा जाता है जब वह कार्य पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया जाता है उस सेक्शन 52 में जो शब्दावली यूज की गई है उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया गया कार्य अर्थात विथ ड्यू केयर एंड कॉशन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन किया गया कार्य है सद्भावपूर्वक कार्य किया गया माना जाएगा और जहाँ पे भी यदि ये शब्दावली प्रयोग की गई है जिन जिन धाराओं में शब्दावली प्रयोग की गई है अर्थात उन धाराओं के अंतर्गत मिन्स्रिया अनुपस्थित है मिन्स्रिया नहीं हो सकती है तो इसको सभी छात्र ध्यान में रखेंगे अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ धारा 76 वह स्लाइड के माध्यम से चाहेंगे कि आप उसको देखें स्क्रीन पर 76 तथ्य की भूल एक वैध बचाओ आपराधिक मामलों में एक वैध बचाओ कैसे है कैसे डिफेंस है आईपीसी की धारा 76 एक लैटिन सूत्र पर आधारित है जो लैटिन सूत्र है इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूसिट इग्नोरेंसिया ज्योरिस नॉन एग्जीक्यूसिट ये लिखा हुआ है लैटिन सूत्र है इसका इंग्लिश रूपांतर यह है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल इग्नोरेंस ऑफ ज्यूरिस लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल अर्थात स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो एक तो लैटिन सूत्र को याद रखेंगे प्रारंभिक परीक्षाओं में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा ए पी की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्यतः ये पूछा जाता है कि इग्नोरेंस यही शब्दावली लिखा रहेगा इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट या एग्जूक्यूसेड इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जुक्यूसेड यह लैटिन सूत्र आई की निम्नलिखित में से किस धाराओं पर आधारित है पहला विकल्प धारा 76, दूसरा विकल्प धारा 77, तीसरा ऑप्शन धारा 79 उपरोक्त में से कोई नहीं तो याद रखना है कि यह जो लैटिन सूत्र है वह आई की धारा 76 के अंतर्गत इसको प्रावधानित किया गया है समावेशित किया गया है फिर कभी कभी प्रारंभिक परीक्षाओं में इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है निम्नलिखित में से क्या नहीं है तो इस लैटिन सूत्र के विषय में पूरी जानकारी आपको रखना आवश्यक है जैसा कि मैंने एक सूत्र बताया था क्रिमिनल लाइबिलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है इग्नो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेनसिट्रिया कुछ लैटिन सूत्र हैं जिसको फार्मूले को जो उसको हिंदी माध्यम के छात्र को भी याद रखने होंगे अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको पूरा याद ना हो पाए कम से कम इतना प्रयास करें उसको समझ सकें कि उसका इंग्लिश अर्थ क्या है उसका हिंदी अर्थ क्या है तो ये ज्यादातर प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में यदि इसको लिख देंगे तो आपके जो नंबर हैं उसमें बढ़ोतरी करने में सहायक होगा इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज नॉट एक्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इसका हिंदी अर्थ है कि तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की भूल क्षम्य नहीं है अब धारा 26 में बिहार एक्ट की लैंग्वेज क्या है जो एग्जैक्ट कानून है सेवेंटी सिक्स में वो मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धारा छिहत्तर यह प्रावधानित करती है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि वह तथ्य की भूल के कारण ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो करने के लिए अपने को विधि के द्वारा आबद्ध समझता है अथवा ऐसा कार्य न ऐसा कार्य तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक किया जाए ये शब्दावली धारा सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत लिखी गई है अब हम इसका विश्लेषण करें एनालिसिस करें जिससे कि और हमारी समझ बेहतर हो सके तो हम ये कहेंगे कि धारा सेवेंटी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं क्या है पहला कि कार्य तथ्य की भूल के कारण किया गया हो न कि विधि के भूल के कारण किया गया हो जब हम सेंटिस का लाभ लेने जा रहे हैं तो पहला जो एलिमेंट साबित करना होगा न्यायालय के समझ कि जो एक्ट दैट मस्ट हैव बीन कमिटेड मिस्टेक ऑफ एक्ट नॉट ड्यू टू मिस्टेक ऑफ लॉ जो कार्य किया गया है वह कार्य तथ्य की भूल के कारण किया गया है न कि विधि के भूल के कारण किया गया है एक दूसरा ऐसा कार्य विधि के आबद्धता के अधीन किया ऐसा कार्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो अपने को विधि द्वारा आबद्ध समझता है ऐसे कार्य करने के लिए एक्ट मस्ट अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू इट वह जो कार्य किया गया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो अपने को वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध समझता है एंड अथवा नहीं होगा एंड इसके अलावा और इसके साथ साथ एक जो कंपल्सरी कंडीशन है दैट एक्ट मस्ट हैव बीन डन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन इन गुड फेथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वह है कि ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो गुड फेथ में किया गया हो उसके आगे लिखेंगे धारा 52. टू सद्भावपूर्वक किया गया कार्य कब कहा जाएगा अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया तीन तत्व हैं धारा 76 के अंतर्गत धारा 76 के तीन आवश्यक तत्व हैं इसेंशियल एलिमेंट हैं इन तीन तत्वों को न्यायालय के समक्ष जैसे ही अभियुक्त के द्वारा साबित किया जाएगा वैसे ही अभियुक्त को भारतीय जनसंख्या की धारा छठ का लाभ देते हुए सभी आपराधिक दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा जैसा कि मैंने बताया धारा 76 का लाभ लेने के लिए जो व्यक्ति लाभ लेना चाहता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य तथ्य की भूल के कारण किया गया न कि विधि के भूल के कारण और वह कार्य करने के लिए वह व्यक्ति विधि के द्वारा बाध्य था साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा न्यायालय के समक्ष मैंने बताया कि ये जो डिफेंसेज हैं ये बचाव है चूंकि प्रतिरक्षाएं हैं तो जो भी व्यक्ति इसका बचाव लेना चाहता है प्रतिरक्षा लेना चाहता है साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा उसे ही साबित करना होगा कि उसका कार्य इन इन तरीकों से किया गया है अब इसको एक एक इसका कंपोनेंट की व्याख्या करते हैं कि आप इससे संबंधित कानून जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने स्लाइड बनाई है कि जिससे छात्र का जो उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर करना निश्चित रूप से निस्संदेह इसको लाभान्वित होंगे इससे तो पहला जो इसमें एक्ट है कि जो कार्य धारा सेवेंटी सिक्स का जो पहला एलिमेंट है कार्य तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण किया गया हो तो तथ्य की भूल क्या है इसको संक्षेप में व्याख्या करते हैं कि तथ्य की भूल कब कहेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तथ्य की भूल से तात्पर्य व्यक्ति का उस तथ्य उस तथ्य के अस्तित्व के विषय में अनभिज्ञ होना उसको जानकारी नहीं है कि यह तथ्य वास्तव में है या नहीं है तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तथ्य के विषय में जानकारी का ना होना कि वास्तव में यह तथ्य विद्यमान है या विद्यमान नहीं है इसके विषय में तथ्य के विषय में जानकारी न होना तथ्य की अनभिज्ञता इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट माना जाता है कि वह तथ्य वास्तव में है ही नहीं जैसे कि दृष्टान्त के रूप में उदाहरण के रूप में इसको समझा जाए कि क एक झाड़ पर पेड़ की झाड़ियां हैं झाड़ पर गोली चलाता है एक चिड़िया बैठी हुई है उस चिड़िया को मारने के लिए झाड़ पर गोली चलाता है और वास्तव में झाड़ के पीछे एक मजदूर काम कर रहा होता है गोली उसको जाकर लग जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है अब यहां पर गोली चलाने वाले व्यक्ति को उस तथ्य की अनिभिज्ञता थी कि वास्तव में झाड़ के पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ होगा तो ड्यू टू मिस्टेक का फैक्ट अगर गोली इस तरह से चल जाती है दुर्घटना का बचाव नहीं दे सकते क्योंकि उसके उसके ग्राउंड अलग हैं यहाँ पे उसका जो देश था एक किसी जंगली चिड़िया या जानवर को पे गोली चलाना चाह रहा था हो सकता है कि वह वन अधिनियम के अंतर्गत अपराधी हो जाए बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में उसको उस विध के अंतर्गत दंडित किया जाए वन अधिनियम वन एवं जीव अधिनियम एक्ट के कानून के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा चला जाए कि पशु पक्षियों या जानवरों पर वह उसको मार रहा था लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा साइंटिस्ट का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर अगर पूछा जाए तो ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल के कारण कि वह झाड़ के पीछे मजदूर कार्य कर रहा था उसको उस तथ्य की विद्यमानता अस्तित्व के विषय में जानकारी नहीं था ज्ञान नहीं था इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वह मजदूर की हत्या के लिए वह अभियोजित और दंडित नहीं हो सकता है वहाँ पर धारा सेवेंटी सिक्स का लाभ वह ले सकता है तो इसको ध्यान में रखते हुए आप आ, देखेंगे पहला हो गया मैंने इसका धारा छिहत्तर का जो पहला तत्व बताया सेवेंटिस का कि तथ्य की भूल के कारण कार्य किया गया हो न कि विधि के भूल के। विधि की भूल कोई बचाव नहीं है एक बात आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस तथ्य तथ्य की भूल तो क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है कारण उसका यह है कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता न्यायालय में यह बचाव नहीं ले सकता कि उसे कानून के विषय में जानकारी नहीं है अगर उसने ब्रीच ऑफ लॉ किया है उसने कानून तोड़ा है कानून का उल्लंघन किया है तो वह दंडित होगा और न्यायालय के समक्ष नहीं कर सकता कि उसने कानून के विषय में जानकारी उसको सभी कानून के विषय में जानकारी नहीं है वह अनपढ़ है गंवार है अशिक्षित है व्यक्ति का अशिक्षित होना व्यक्ति का अनपढ़ होना उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई उस बचाव नहीं होगा उसको कोई क्षमा नहीं कर सकती है कारण उसका यह है कि देश की संसद के द्वारा विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उस कानून को जैसे ही राजपत्र में या समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है यह मान लिया जाता है कि वह देश की विधि हो गई है और देश की विधि सभी व्यक्ति सभी नागरिक उस देश के कानून को जानते हैं और देश के कानून का उल्लंघन किसी कानून का उल्लंघन ब्रीच ऑफ लॉ वह अपराध होगा यदि कोई व्यक्ति यदि इसको क्षमा अगर इसको माने मानेगे अगर इसको क्षम घोषित नहीं किया गया होता या इसको मिस्टेक ऑफ लॉ को यदि वैध एक वैध बचाव मान लिया जाए कानून के अंतर्गत तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे इसका दुष्परिणाम होगा नागरिकों को एक लाइसेंस दे देना कि वह ब्रिज अफला भी करेंगे कानून भी तोड़ेंगे और न्यायालय के समक्ष आके बोलेंगे कि मुझको ट्रैफिक रूल की जानकारी नहीं है यातायात के नियम की जानकारी नहीं है मुझको राजस्व के मामलों में बकाया के कानून राजस्व कानून नहीं मालूम है तो ये एक प्रकार का यदि ये न लिखा गया होता कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस और यह लिख दिया जाए कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ अ डिफेंस तो एक प्रकार से एन हो जाएगी समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी लोग कानून का उल्लंघन भी करेंगे और न्यायालय के समक्ष मुकदमे की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर व्यक्ति कानून तोड़कर कहेगा कि हमको कानून की जानकारी नहीं है या हम अशिक्षित हैं हमारा स्टैंडर्ड पढ़ने का वह नहीं है जो हम इस कानून के विषय में जानकारी रख पाए इसलिए कानून की भूल मिस्टेक ऑफ लॉ कोई बचाव नहीं है सभी व्यक्ति अपेक्षा की जाती है देश के नागरिकों से कि वह कानून जानेंगे जो लॉ ऑफ द लैंड है जो भी लॉ है जो कानून है देश का उसके विषय में सभी व्यक्ति जानकारी रखते हैं यह लॉ प्रज्यूम कर लेती है मान के चलती है अब इसके अंतर्गत मैंने धारा छिहत्तर का जो पहला तत्व है बताया कि कार्य तत्व की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण किया गया हो दूसरा कार्य ऐसा जो दूसरा तत्व है सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत कि वह कार्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो अपने को वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध समझता हो विधि द्वारा बाध्य समझता हो अर्थात धारा सेवेंटी का लाभ लेने के लिए प्रतिरक्षा बचाव लेने के लिए दूसरा तत्व है एलिमेंट है दैट एक्ट मस्ट अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू इट ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य करने के उस कार्य करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हो अब इस पर उदाहरण है उदाहरण के माध्यम से इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप बेहतर समझ पाएंगे कि एक कांस्टेबल के द्वारा अपने सुपीरियर अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में गोली चलाई जाती है भीड़ पर दृष्टांत जो धारा 76 में दिया गया मैं उसी दृष्टांत को कोट कर दूं आप भी और समझ पाएंगे कि एक सिपाही ख अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में भीड़ पर गोली चलाता है जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे उग्र भीड़ है हिंसक भीड़ है यदि गोली नहीं चलाई गई तो अब भीड़ कई लोगों का जान ले लेगी इसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाई जाती है गोली चलाने का आदेश दिया जाता है कांस्टेबल ने उस आदेश के पालन में गोली चला दिया कांस्टेबल ने कौन सा अपराध किया एक व्यक्ति मृत हो जाती है कांस्टेबल ने हत्या किया कांस्टेबल अपराह हत्या का दोषी नहीं बल्कि आपराधिक मानवमत का दोषी कांस्टेबल ने कोई अपराध नहीं किया उपरोक्त में से कोई नहीं ये चार विकल्प यदि आपके समक्ष हों जैसा कि प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि क कांस्टेबल क सिपाही कौ के आपराधिक दायित्व का आपराधिक दायित्व की विवेचना करें तो इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे धारा छिहत्तर पर जो प्रस्तुत समस्या है धारा सेवेंटी सिक्स पर आधारित है और इस पर अगर कोई केस है तो उसको केस को भी लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवमंगल सिंह ए या आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट स्किन के माध्यम से आप देखें मैंने स्क्रीन इस पर इसको केस को लिखा है और इस संक्षेप में मैंने एक लिख दिया है चूँकि इसमें हिंदी का लेक्चर है परंतु लैटिन वर्ड और इंग्लिश के भी कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करना इसमें जायज़ है इसलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड थोड़ा सा मिक्स बनाया है कि लैटिन सूत्र हिंदी में है ही नहीं तो लैटिन फार्मूले जो हैं जो भी सारे इंग्लिश में हैं तो हिंदी में वो लैटिन सूत्र स्लाइड में आना ही आना है तो उस कांस्टेबल ए के आपराधिक दायित्व की विवेचना करें इसको कैसे लिखा जाएगा मुख्य परीक्षा में इसको भी आप देखेंगे देखने का प्रयास करेंगे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस दृष्टांत को जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया दृष्टांत में क सिपाही ने कोई अपराध नहीं किया वह विकल्प सही होगा क्यों कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह जो कार्य किया है वह कार्य विधिक आबद्धता के अधीन किया है विधिक बाध्यता के अधीन किया है इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का केस है उस केस को अभी हम डिस्कस करेंगे केस के फैक्ट को डिस्कस करेंगे जिससे आपका मिस्टेक ऑफ़ फैक्ट एज वैल्यू डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ और बेहतर आप समझ पाएंगे कि तथ्य की भूल आपराधिक मामलों में कैसे वैध बचाव है अब प्रश्न होता है कि क्या सुपीरियर ऑफिसर के सभी आदेशों को मानने के लिए अधीनस्थ अधिकारी बाध्य है अब धारा 76 में जो प्रयोग किया गया है कि एक्ट मस्ट है पर्सन हु इज हु इज़ लीगली बाउंड टू डू इट किया गया कार्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है प्रश्न यह है कि क्या अधीनस्थ अधिकारी अपने सुपीरियर अधिकारी के अपने वरिष्ठ अधिकारी के अवैध आदेशों को मानने के लिए बाध्य है उत्तर होगा ना निगेटिव नहीं यदि शांतिपूर्वक भीड़ के द्वारा कहीं पर अपनी लोकतांत्रिक मांगों के लिए कोई सभा निकाली जा रही है कोई जुलूस निकाला जा रहा है या शांतिपूर्वक कोई असेंबली सभा हो रही है अपनी मांग को करने के लिए और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचता है कोई पुलिस का अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देता है कि इस पर गोली चला दो अधीनस्थ अधिकारी यदि गोली चलाने से मना कर देते हैं इनकार कर देते हैं कांस्टेबल एक दो तीन दस जितने भी हों तो उन उन कांस्टेबल सिपाहियों के विरुद्ध विभागी कार्रवाई तो हो सकती है अनुशासन न मानने की अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है परंतु आपराधिक विधि के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि सभा शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करना सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है उस सभा और शांति सम्मेलन से जब तक हिंसा की आशंका न हो जब तक वह सभा और सम्मेलन हिंसक न हो जाए तब तक स्टेट मशीनरी ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है तो सभा सम्मेलन करना भारतीय संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक ख के अंतर्गत राइट टू असेंबली राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली यह उनका मौलिक अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह अपनी लोकतांत्रिक मांगों के लिए अपनी जायज़ मांगों के लिए वह सभा सम्मेलन कर सकते हैं जुलूस निकाल सकते हैं वह उनका फंडामेंटल राइट right है जब तक उनका फंडामेंटल राइट right है जब तक कि उस जुलूस व सभा हिंसक न हो जाए वायलेंट ना हो जाए तो अब यहाँ प्रश्न है कि क्या अधीनस्थ अधिकारी यदि अपने सुपीरियर अधिकारी के आदेशों को ऐसी परिस्थितियों में मानने से इनकार कर देते हैं गोली नहीं चलाते हैं तो उन्होंने कोई अपराध किया प्रश्न उत्तर होगा कोई अपराध नहीं किया और यदि वह यदि वे कांस्टेबल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के पालन में उस शांतिपूर्वक आंदोलन कर शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे सभा कर रहे किसान भीड़ पर या छात्रों के शांतिपूर्वक छात्रों के समूह पर यदि वरिष्ठ अधिकारी गोली चलाने का आदेश देता है और कांस्टेबल गोली चला देते हैं उसमें से एक दो किसान की मृत्यु हो जाती है तो वे कांस्टेबल जिन लोगों ने आदेशों के अधिकार अधिकार आदेशों के अनुपालन में गोली चलाई है उनके कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा छिहत्तर के अंतर्गत क्षम्य नहीं होंगे और उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि धारा 26 सभी प्रकार के एक्ट को जस्टिफाई एक्सक्यूज एक्सक्यूज़ नहीं करता सभी अवैध कृति को एक्सक्यूज नहीं करता यह साबित करना होगा कि जो उन लोगों ने कार्य किया है वह लीगली बाउंड थे कार्य करने के लिए और जो आदेश का पालन किए हैं वह आर्डर भी वैलिड था लीगल था इलीगल अवैध आदेशों का पालन करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी बाध्य नहीं है और यदि अधीनस्थ अधिकारी अवैध आदेशों का पालन करते हैं कोई क्षति हो जाती है तो उस क्षति के लिए आपराधिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारी भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी होंगे तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि सभी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है तो मैं बता रहा था कि आपराधिक मामलों में तथ्य की भूल कहाँ तक अवैध बचाव है तो मैंने उसमें दृष्टांत एक कोट किया कि यदि कोई एक कांस्टेबल जो अपने वरिष्ठ आदेश अधिकारी के आदेशों के अनुवर्तन में भीड़ पर गोली चलाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सिपाही को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा उसने आपराधिक विधि के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कोई भी अधीनस्थ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के अवैध आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है केवल वैध आदेशों के अनुपालन में किया गया कार्य ही धारा सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत प्रतिरक्षित है क्षम्य है बचाव है यदि अवैध आदेशों के पालन में अधीनस्थ अधीनस्थ कर्मचारी गोली चलाता है और मृत्यु हो जाती है तो वरिष्ठ अधिकारी के अवैध आदेशों के अनुवर्तन में अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा चलाई गई गोली और मृत्यु का होना उसके अवैध आदेशों का मानना यह अधीनस्थ अधिकारी के लिए बाध्यकर नहीं है वह इनकार भी कर सकता है इनकार करने में तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है लेकिन वह कोई अपराधी नहीं है परंतु यदि वरिष्ठ अधिकारी के अवैध आदेशों के पालन में अगर उसने कोई कार्य किया जिसमें मृत्यु हो गई या कोई अपरा दोषपूर्ण कार्य घटित हो गया तो अवैध आदेशों को धारा सेवेंटी सिक्स किसी प्रकार से क्षमा नहीं करेगी अब इसको एक केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो और बेहतर धारा सेवेंटी सिक्स के विषय में ज्ञानार्जन होगा केस का नाम है स्क्रीन पर मैं इसको शेयर करना चाहूँगा आप इसको स्क्रीन पर देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिव मंगल सिंह ए आई आर सुप्रीम कोर्ट फैक्ट को मैंने इसको जो तथ्य है इसमें भी एक आपको समझने के लिए संक्षेप में लिख दिया है कि भीड़ के द्वारा जो है एसीपी पर प्राणघातक हमला किया गया पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल राज्य में ए और डी एस के नेतृत्व में पुलिस दल गश्त कर रहा होता है और ग्रामीणों की भीड़ के द्वारा जो है उन पर हमला कर दिया जाता है हमले में ए रैंक का अधिकारी घायल हो जाता है इंजर्ड हो जाते हैं काफ़ी उनको चोटें आती हैं ऐसा देखकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि भीड़ पर गोली चलाई जाए जिससे उसको भीड़ को अनियंत्रित भीड़ को हिंसक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और डीएसपी के द्वारा तत्कालीन डीएसपी कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में कांस्टेबल ने गोली चलाई और भीड़ में एक व्यक्ति मारा गया अब राज्य के द्वारा सामान्यता ऐसी स्थिति में न तो पुलिस उसको छोड़ सकती जानती है कि डिफेंस में किया हुआ है सेवेंटी के अंतर्गत क्षम्य हो सकता है आपराधिक मामला तो चलेगा ही चलेगा और जैसे ही मामला न्यायालय के समक्ष आएगा जैसे ही फायक चार्ज सीट आएगी न्यायालय के समक्ष कोर्ट साक्ष देखेगा और जैसे ही अभियुक्तों के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह दलील दी जाएगी यह प्ली लिया जाएगा कि उन्होंने इन परिस्थितियों में भीड़ पर गोली चलाई इनके आदेश के द्वारा गोली चलाई तो प्रस्तुत मामले में पश्चिम बंगाल राज ब्राम श्री मंगल सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जिन परिस्थितियों में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया हिंसक भीड़ हिंसक थी और उस भीड़ के द्वारा ए रैंक के अधिकारी को भी पर भी हमला किया गया अतः ऐसी परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा गोली चलाने का दिया गया आदेश वैध था और जिन कांस्टेबलों ने भीड़ पर गोली चलाई जिससे मृत्यु हुई वे धारा सेवेंटी सिक्स का बचाव ले सकते हैं वह सद्भावपूर्वक पूरे उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ उन लोगों ने बार बार भीड़ से बोला कि भीड़ जो है तितर-बितर हो जाए भीड़ शांत हो जाए भीड़ शांत हो जाए इस प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उच्चतम न्यायालय के समझ थे कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी भीड़ शांतिपूर्वक नहीं रही और भीड़ हिंसक हो गई और उस परिस्थितियों में उससे बेहतर उससे अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं था कि अपने अधिकारी को घिरता देख करके अपने अधिकारी को क्षतिग्रस्त चोटग्रस्त दिखता अब इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन कोई विकल्प नहीं था तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिया गया गोली चलाने का आदेश वैध था और जिन सिपाहियों के द्वारा भीड़ पर गोली चलाई गई और व्यक्ति की मृत्यु हुई सिपाहियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध नहीं किया उनको आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया क्योंकि धारा 76 का उनको लाभ दिया गया चूंकि स्वयं सिपाहियों के द्वारा यह ये, ये 76 का लाभ लिया गया उसमें प्लेट किया गया उनके कार्य को सेवेंटी के अंतर्गत लाया जाए वे कार्य करने के लिए लीगली बाउंड थे पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ को नियंत्रित करें और भीड़ यदि हिंसक हो जाए या हिंसा की स्थिति हिंसा प्राकाष्ठा या इतनी स्तर तक पहुंच जाए कि उसे किसी की जान चली जाए तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उस सीमा तक बल प्रयोग कर सकती है यह कानून में दिया गया है और उचित सावधानियों सतर्कता के साथ ही कार्य किया गया था गुड फेथ में किया गया था क्यों क्योंकि उन लोगों ने बार बार जो है चेतावनी दी कि ये भीड़ नियंत्रित हो जाए लेकिन नियंत्रित होने का शांतिपूर्वक भीड़ शांति कायम नहीं कर पा रही थी तो इसलिए ये धारा 76 के तीनों तत्व मौजूद थे एक्ट डन बाय द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो वह कार्य करने के लिए भी द्वाराबद्ध है और सद्भावपूर्वक पूरे उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य किया गया तो ऐसी स्थिति में धारा 76 का लाभ देते हुए उन कांस्टेबलों को सिपाहियों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया तो ये दो बातें याद रखनी हैं कि सभी आदेश धारा 76 में प्रतिरक्षित नहीं है छ में नहीं है कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि एक जो शब्दावी लिखी है धारा 76 में कि द एक्ट मस्ट है डन बाई अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू डू इट जो विधि रूप से काम करने के लिए बाध्य हो, उसके द्वारा किया गया कार्य तो क्या ये धारा सैंतीसिस का लाभ केवल सरकारी व्यक्ति को ही मिलेगा या प्राइवेट व्यक्ति को मिल सकता है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सीआरपीसी की दंड एक दंड प्रक्रिया संहिता है उन्नीस की उसमें धारा सैंतीस है थर्टी सेवन उस धारा सैंतीस के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह विधिक दायित्व तो है विधिक कर्तव्य है कि वह पुलिस को सहयोग प्रदान करे पुलिस की सहायता करे ये धारा थर्टी सेवन में लिखा हुआ है अब बात करते हैं सेक्शन सेवेंटी नाइन का मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेवेंटी सेक्शन सेवेंटी नाइन में भी लिखा हुआ है बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत जिसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि तथ्य की भूल वैध बचाव हो सकती है धारा सेवेंटी नाइन में भी है लेकिन दो ग्राउंड उसमें थोड़ा सा अंतर है अब वह क्या है अब ये हो सकता है कि जब धारा सेवेंटी सिक्स और सेवेंटी नाइन की बातें बिल्कुल समान है तो उसको दो अलग अलग धाराओं में लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी तो आप सभी छात्रों को यह जानकर के आश्चर्य होगा कि जिन परिस्थितियों में ये आई बनी सन अट्ठारह में आई को जब लागू किया गया तो अट्ठारह का भारत और उस समय का भारतीय जनमानस और भारतीय जनमानस का साक्षरता दर उनकी शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब यह दंड कानून बनाया गया तो यह आवश्यक था कि ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न ना तो नागरिक को हो और न तो न्यायपालिका को हो इसलिए ये दोनों प्रावधान अलग अलग धाराओं में प्रावधानित किए गए हैं यद्यप कि राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि धारा 76 और 79 के प्रावधान को एक धारा में लिख दिया जाए क्योंकि दोनों में लगभग समानताएँ हैं, हैं और वो समानता क्या है मैं अभी आपके समक्ष स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा कि धारा सेवेंटी नाइन देखें उसमें जो एक मैंने लिखा है कि विध द्वारा न्यायानुमत कार्य यह एक जो सेंटेंस है वह एक सेंटेंस एक वाक्य वह वा धारा सेवेंटी सिक्स से इसको अलग करता है पृथक करता है क्या है वो अब मैं सेक्शन सेवेंटी नाइन बेयर एक्ट की बात को जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ वास्तव में जो कानून में लिखा है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा था करूंगा जिससे कि आप इसको समझें धारा सेवेंटी नाइन के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण अपने को वह कार्य करने के लिए विध द्वारा न्यायनुमत समझता हो और पूर्वक वह कार्य करता है अर्थात सेक्शन सेवेंटी नाइन में क्या लिखा है इंग्लिश में अगर इसको देखें कि नथिंग इज एन ऑफेंस स्विच इज डन बाई अ पर्सन who due to mistake of fact not due to not mistake of law commits that act in good faith वह वह ऐसा कार्य जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण व्यक्ति अपने को विधि द्वारा जस्टिफाइड समझता है न्यायुमत मतलब यहाँ पे जस्टिफाइड वह कार्य करने के लिए व्यक्ति विधि द्वारा अपने को न्यायुमत समझता है और वह कार्य करता है पूरी उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य करता है गुड फेथ में कार्य करता है धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत उसका कार्य क्षम है प्रतिरक्षित है इसको दृष्टांत के माध्यम से समझें उदाहरण के माध्यम से समझें जैसे कि क को, को ऐसा प्रतीत होता है कि ख पर उसके सामने ही ख पर हमला किया जा रहा है कुछ लोग उस पर हमला कर रहे हैं क ख को उस हमले से बचाने के लिए हमलावरों पे हमलावरों को धक्का दे देता है उसमें से दो हमलावर तीन हमलावर गिर जाते हैं ज़मीन पर गिर जाते हैं उनको छोटे आ जाती हैं बाद में पता चलता है कि वास्तव में वह वा किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है अब यहाँ पर क्या वे व्यक्ति जो ख पर हमला कर रहे थे जिनको कौन ने धक्का दे दिया ज़मीन पर गिर गए क्या वे क के विरुद्ध हमला के लिए एसॉल्ट के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए आईपीसी के अंतर्गत अभियोजन मुकदमा ला सकते हैं दंडित किया जा सकता है तो उत्तर होगा कि यहाँ पर क भारतीय जनसंहिता की धारा सेवेंटी का लाभ लेने का हकदार है क्योंकि उस ऐसा प्रतीत हुआ क को, को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके सामने ही ख पर हमला किया जा रहा है और विधि में कानून में यह प्रत्येक समाज के नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके समक्ष किसी अन्य व्यक्ति पर भी हमला हो रहा है तो उस हमलावर उस हमले को निष्फल करने के लिए हमलावर की यदि जान भी लेनी पड़े तो धारा सौ के अंतर्गत ऐसे कार्य को क्षमा प्रदान किया गया है तो जिस धारा के अंतर्गत का यहाँ बचाव लेगा वह धारा सेवेंटी नाइन है कि जो एक्ट उसने कमिट किया उसके द्वारा किया गया कार्य विधि द्वारा न्यायसंगत है न्यायोचित है जस्टिफाइड बाय द लॉ है एक दृष्टांत के माध्यम से आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसके कार्य को धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत क्षमा प्रदान किया जा सकता है अब इसी धारा सेवेंटी नाइन के को और किस दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है कि पुलिस कांस्टेबल न्यायालय के द्वारा जारी किए गए वारंट आदेश को लेकर किसी अभियुक्त के घर अभियुक्त माना कि अभियुक्त क नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट लेकर के कांस्टेबल उसके घर पहुंचते हैं क के घर पहुंचते हैं परंतु क ही वास्तव में क ही बता देता है वारंट पे सामान्यतः फोटो नहीं लगी रहती है कि वारंट पे केवल नाम लिखा रहता है अभियुक्त का नाम पता लिखा रहता है फोटो नहीं लगा रहता उम्र लिखी रहती है अब उस सिपाही कांस्टेबल लेकर के न्यायालय का अरेस्ट वारंट जाता है अरेस्ट करने के लिए और स्वयं अभियुक्त ही बता देता है कि वह क घर पे नहीं है और अभियुक्त इशारा कर देता है एक एक्स नाम के व्यक्ति को जो उसका पड़ोसी है कि यही वह व्यक्ति है और पुलिस अधिकारी कांस्टेबल एक्स को क समझ कर अरेस्ट कर लेते हैं घर और पुलिस थाने ले आते हैं बाद में पता चलता है कि पुलिस कांस्टेबल ने किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है यहाँ पर यदि निर्दोष व्यक्ति पुलिस के विरुद्ध अवैध गिरफ्तारी का मुकदमा करना चाहे सदोष परिरोध का मुकदमा करना चाहे तो कांस्टेबल न्यायालय के आदेशों के अनुवर्तन में धारा सेवेंटी नाइन का बचाव ले सकता है कि ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल के कारण कि वह वास्तव में एक्स को वास्तव में क को, को ही एक्स समझ बैठा अभियुक्त को एक्स को ही अभियुक्त समझ बैठा और उसको गिरफ्तार कर लाया तो यहाँ पे कांस्टेबल किसी अपराध का दोषी नहीं होगा और उसके द्वारा किया गया कार्य धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत क्षम्य होगा इसको कैसे बेहतर समझाने के लिए मैंने दो दृष्टान बताया धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत कि उस अभियुक्त को कांस्टेबल को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही सदस्य वैसे किसी भी कांस्टेबल के द्वारा भी निर्दोष व्यक्ति को उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित करना यह अपराध माना जाता है यह सदोष परिरोध का अपराध माना जाता है रांगफुल कन्फाइनमेंट का केस माना जाता है और यदि न्यायालय के द्वारा यह मुहर लगा दी गई न्यायालय का निर्णय दे दिया गया कि गिरफ्तारी अवैध थी तो वह व्यक्ति जिससे न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो गया कि वह गिरफ्तारी न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दी गई उसके प्राप्त उसके पास जो उपचार प्राप्त हैं वह उस कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सदोष परिरोध का मुकदमा दर्ज कर सकता है और उससे कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रतिकर प्राप्त करने का भी उपचार उस पीड़ित को प्राप्त है परंतु ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः कांस्टेबल धारा सेवेंटी नाइन का लाभ प्राप्त कर लेगा क्योंकि यह कर साबित कर ले जाएगा कि उसके द्वारा किया गया कार्य धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत विधि द्वारा न्यायसंगत है परंतु ध्यान देने की बात यह है कि अभियुक्त का नाम पता उम्र अब उम्र लिखी है उसमें 45 वर्ष अभियुक्त का नाम पता उम्र 45 वर्ष और पुलिस कांस्टेबल गया है गिरफ्तार करके लेके आया पैंसठ वर्ष के किसी व्यक्ति को तो यहां पर जो एज का डिफरेंस है वह पुलिस के द्वारा किए गए कार्य को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकता क्योंकि जो एज का डिफरेंस है वह 45 और पैंसठ का 20 वर्ष का डिफरेंस है वह 20 वर्ष का जो अंतराल है अभियुक्त के एज में वह कहीं से भी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा किए गए कार्य को उचित सावधानी एवं सतर्कता से किया गया कार्य नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो 20 वर्ष का अंतराल होता है वो बहुत अंतर होता है और कांस्टेबल यह सोच सकता है कि अभियुक्त की उम्र जो उसके वारंट में लिखी हुई है पैंतालीस साल है और जिसको पकड़ रहा है वह पैंसठ वर्ष का प्रतीत हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह पैंसठ वर्षीय व्यक्ति कांस्टेबल के विरुद्ध यदि बात करता है तो कांस्टेबल धारा 79 का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा अधिकारी नहीं होगा इसको ध्यान में रखना है अब इसके पश्चात मैं इस सेवेंटी नाइन पर दो महत्वपूर्ण केस है जिसके माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा देखें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक तो बहुत ही चर्चित भारतीय भारत की प्रथम महिला आई अधिकारी हैं किरण बेदी और ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली इस पर टाइपिंग में एरर हो गया है आप सभी लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे किरण वेदी बनाम जांच समिति एआईआर 1989 सुप्रीम कोर्ट है किरण वेदी ये दूसरे साइड चला गया है टाइपिंग एरर में ही इसको आप सभी इसको करेक्ट कर लेंगे किरण वेदी बनाम जांच समिति ए आई आर सुप्रीम कोर्ट दूसरा केस इस पर है राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण ए आई आर सुप्रीम कोर्ट जिसमें राज कपूर एक फिल्म निर्माता है पिक्चर का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम मैं अभी इस दोनों केस के माध्यम से धारा 79 में जो आय जस्टिफाइड बाय द लॉ है और 76 में क्या डिफरेंस है इन दो केस के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि तथ्य की भूल आपराधिक मामलों में वैध बचाव कहां तक है तो इस केस के माध्यम से आप देखने आप देखें कि जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया आपको दो महत्वपूर्ण केस हैं इसमें किरण वेदी बनाम जांच समिति ए आई सुप्रीम कोर्ट का है और दूसरा केस है राज कपूर बनाम लक्ष्मण ए आई आर सुप्रीम कोर्ट तो मैं इसमें किरण बेदी केस के फैक्ट को तथ्य को आपके समझ रखता हूं ये और भी लॉ की क्लैरिटी को दिखाएगा दर्शित करेगा आप सभी छात्र इस भली भात परिचित होंगे इस नाम से ये नाम बहुत ही प्रचलित है और कभी एक समय था जब किरण बेदी को क्रेन बेदी कहा जाता था कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ही गलत पार्किंग को उनकी गाड़ी अम्बेडसर कार गलत पार्किंग कर दी गई थी दिल्ली में तो इसी यही किरण बेदी हैं आई महिला जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के भी फ्लीट कार को क्रेन से उठवा लिया था दामनाम नाम पूरे न्यूज़पेपर में छपा क्रेन बेदी क्रेन जो होता है क्रेन क्रेन किरण बेदी एक साहसिक आईपीएस ऑफिसर हैं और इस मामले में उनके विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया तथ्य के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है प्रस्तुत मामले में सेंट स्टीफन कॉलेज में किसी बात को छात्रों और एडवोकेट में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है उस एडवोकेट को छात्रों के द्वारा आ, पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है पुलिस उस अरेस्ट को पुलिस तत्कालीन थानाध्यक्ष और वहाँ की पुलिस अधिकारी चूँकि डिप्टी कमिश्नर किरण बेदी जी थी तो उस अधिवक्ता को कांस्टेबल पुलिस के द्वारा हथकड़ी लगा दी गई और अरेस्ट कर लिया गया और उनको पुलिस थाने लाया गया ऐसा ऐसी घटना को देख करके वहाँ के तत्कालीन अधिवक्ता समाज में एक आक्रोश व्याप्त हो गया और सभी अधिवक्ताओं ने संबंधित पुलिस थाने का घेराव कर लिया और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे ऐसा देखकर उसके पश्चात अधिवक्ताओं का एक समूह तत्कालीन डिप्टी पुलिस कमिश्नर किरण बेदी के कार्यालय पर मिलने का प्रयास करता है परंतु किरण वेदी उन अधिवक्ताओं से मिलने से इनकार कर देती हैं अब पुनः अधिवक्ता के दो अधिवक्ताओं के समूह के द्वारा किरण बेदी के विरुद्ध नारे लगाए जाने लगे प्रशासन के विरुद्ध नारे पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए जाने लगे इससे इसके पश्चात किरण वेदी के द्वारा आदेश दिया गया कि अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया जाए कुछ उसमें चूंकि भीड़ अधिवक्ताओं का जो समूह था हिंसक हो चुका था अतः उस हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए याचिकाकर्ता किरण बेदी के द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण वेदी के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया अब यह मामला चूंकि पुलिस बनाम अधिवक्ता हो गया और इस पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ने लगे जिसमें कि अधिवक्ता को हथकड़ी लगाया जाना अधिवक्ताओं पर लाठी करने के आदेश के लिए किरण बेदी के खिलाफ ही मुकदमा हो गया आपराधिक मुकदमा हो गया किन लोगों इन्होंने अवैध आदेश दिया अवैध आदेशों का अनुवर्तन उनके आदेश अवैध आदेशों का पालन करना सभी पुलिस अधिकारी जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी वहां पुलिस कर्म जो कांस्टेबल सिपाही थे उनको भी इसमें दंडित किया जाए अभियोजित किया जाए याचिकाकर्ता ने इसके लिए हाई कोर्ट के तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो गई कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उन्नीस का जांच उस अधिनियम के अंतर्गत किरण बेदी के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध एक जांच समिति गठित कर दी गई उनको कहा गया कि ये किरण बेदी इंक्वायरी कमेटी के समस्याएं और अपने बयान को दर्ज कराएं कि उन्होंने क्या ऐसी परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों में उनके द्वारा दिया गया आदेश आदेश दिया जाना भी सम्मत है फिलहाल इस इन सभी घटनाओं को देखते हुए याचिकाकर्ता किरण वेदी ने जांच समिति में जांच समिति के समक्ष अपने बयान देने से इनकार कर दिया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि जांच समिति को कोई राइट नहीं है जांच समिति को ही माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश दे कि जो कुछ भी मैंने कार्य किया वह विधिक दायरे में रहते हुए मैंने निर्देश दिया अतः जाँच समिति को ऐसा करने का पावर नहीं है कि वह तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपने समक्ष बयान के लिए बुलाए और उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामले को बंद करने के लिए और जांच समिति को यह निर्देशित किया गया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण बेदी को इस मामले में जांच से बरी किया जाए उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई न की जाए किसी प्रकार से इस मामले को कन्फ्रंटेशन से बचाया गया कहने का तात्पर्य है कि यह जो कुछ भी उन्होंने निर्णय दिया हिंसा को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने के लिए और जो एक्ट था वो जस्टिफाइड बाई लॉ था विधि द्वारा न्यायमत था इसलिए इनके कार्य को उच्चतम न्यायालय ने भी क्षम्य घोषित किया कि इनके कार्य को जस्टिफाइड माना जाना चाहिए इसमें दूसरा महत्वपूर्ण वाद इसमें है राजकुमार वसे लक्ष्मण ए आई आर यह नीचे मैंने लिखा है इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने इसमें लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम एक मूवी थी पिक्चर थी फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म के निर्माता राजकुमार थे राजकुमार सत्यम शिवम सुंदरम नाम की एक फिल्म बनाते हैं और फिल्म बनाने के लिए चलचित्र अधिनियम है 1952 का उस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक फिल्म निर्माता के लिए सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र का लिया जाना आवश्यक है जो एडल्ट सर्टिफिकेट एडल्ट मूवी होती है उनके लिए ए सर्टिफिकेट जब सबके लिए जो सभी को दिखाई जाने के लिए मूवी हैं उनके लिए यू सर्टिफिकेट अब इसमें राजकपूर के द्वारा सेंसर बोर्ड से वह भी भारत सरकार की एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उसको बोलते हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया राजकुमार को फिल्म निर्माता को कि इनके द्वारा जो बनाई गई मूवी है सत्यम शिवम सुंदरम यह सभी के दिखाए जाने योग्य है उस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के पश्चात ही कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करने के लिए भेज सकता है इस सद्भावपूर्वक विश्वास के साथ पूरी उचित सावधानी सतर्कता के साथ कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया है मूवी दिखाने का और उन्होंने अपने चलचित्र सत्यम शिवम सुंदरम को पब्लिक डोमेन में मूवी संचालन के लिए दे दिया पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उस मूवी का संचालन होने लगा एक व्यक्ति उसमें जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं लक्ष्मण उनके द्वारा एक परिवाद दाखिल की गई कंप्लेन फाइल किया गया कि इस फिल्म निर्माता के द्वारा निर्गत किए गए फिल्म को रोक दिया जाए क्योंकि इससे भारतीय जनसंहता की धारा दो के अंतर्गत जो अश्लील चलचित्रों का प्रकाशन है अश्लीलता को प्रकाशित करना इनके फिल्म के माध्यम से अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है अब सभी छात्रों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस सत्यम स्वयं सुंदरम फिल्म में राजकुमार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष जिस धारा का बचाव लिया वह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की सेवेंटी नाइन है एक तो उन्होंने बोला कि सभी व्यक्ति को अधिकार है अपने व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दूसरा उनके द्वारा किया गया कार्य आईपीसी भारतीय दंड भारतीय की धारा 79 के अंतर्गत जस्टिफाइड एक्ट है जस्टिफाइड एक्ट है विधि द्वारा न्यायुमत है कैसे जस्टिफाइड एक्ट है कि सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना इसका अर्थ है कि सेंसर बोर्ड की नज़र में जो केंद्र, केंद्रीय संस्थान है पिक्चरों को सर्टिफाई प्रमाणित करने का उस केंद्रीय संस्थान से प्रमाण पत्र का प्राप्त किया जाना कि यह पिक्चर दिखाए जाने योग्य है सभी के दिखाए जाने योग्य है इसमें कोई अश्लीलता नहीं है और इस सद्भावपूर्वक विश्वास के साथ प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात राजकुमार ने उस पिक्चर को दिखाने के लिए पब्लिक डोमेन में दिया अतः अभियुक्त के द्वारा जो अपीलार्थी राजकुमार हैं इन्होंने कोई अपराध नहीं किया इनके द्वारा किया गया कार्य धारा सेवेंटी नाइन के अंतर्गत क्षम्य है उच्चतम न्यायालय ने भी इन्हें धारा आईपीसी की धारा 292, नाइन्टीन टू के आपराधिक दायित्व से मुक्त करते हुए सेक्शन सेवेंटी का बचाव दिया और यह निर्णित किया कि अपीलार्थी राजकुमार फिल्म निर्माता राजकुमार के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम का फिल्म प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात दिखाया जाना विधि द्वारा न्यायुमत है इन्होंने कोई अपराध नहीं किया मैं समझता हूं कि सेक्शन सेवेंटी सिक्स 79 के व्याख्यान के पश्चात उसके आवश्यक तत्व उस पर महत्वपूर्ण वाद के माध्यम से आप तथ्य की भूल आपराधिक मामलों में तथ्य की भूल कहाँ तक बचाव है इस पर प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा और अन्य संबंधित परीक्षाओं के लिए भी आप इसमें सभी सूचना सूचनाओं से अवगत होंगे पूरा मेरा पूरा प्रयास था कि मैं धारा सेवेंटी सिक्स सेवेंटी से संबंधित सभी आवश्यक तत्व तो इसमें जितने दोनों के हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्णवाद आपके समक्ष रखने का प्रयास किया पूरी उम्मीद है कि आप सभी के लिए यह सारगर्भित होगा सभी के लिए यह उपयोगी होगा थैंक यू धन्यवाद